नमस्कार, मैं हूं नितेश गंगवार और आप देख रहे हैं मिशन 24x7। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइन के साथ और उसके बाद दिखाएंगे जिले की सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। तो आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल शाहजहांपुर पहुंचेंगे। दिवंगत विधायक मानवेंद्र सिंह को श्रद्धांजलि देकर परिवार से करेंगे शोक संवेदना व्यक्त। मुख्यमंत्री के आने से पहले तैयारियों को किया जा रहा मुकम्मल। तेलहर पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। मुठभेड़ के दौरान 25,000 के इनामी बदमाश को लगी गोली। एक बदमाश मौके से भागने में रहा कामयाब। बदमाश की गोली से कोतवाल और सिपाही बाल बाल बचे। नगर निगम कार्यालय में आज जनसुनवाई कार्यक्रम का हुआ आयोजन। नगर आयुक्त ने फरियादियों की समस्याओं को सुना। कई समस्याओं का मौके पर ही कराया गया निस्तारण। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने जिला कारागार में किया कंबलों का वितरण। महानगर अध्यक्ष मोहम्मद सलाउद्दीन के नेतृत्व में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। कंबल पाकर खुश दिखे कारागार के बंदी। और पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारियों की हड़ताल आज दूसरे दिन भी जारी। पुरानी पेंशन योजना बहाली संयुक्त मंच के नेतृत्व में शाहजहांपुर में चल रही हड़ताल। संगठन के जिला संयोजक नरेंद्र कुमार त्यागी बोले, कर्मचारी अपनी मांगों को मनवाकर ही पीछे हटेंगे। ये थी हेडलाइंस। अब दिखाएंगे जिले भर की सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने की। इस दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। आज कृषि विज्ञान केंद्र नियामतपुर में पशु प्रबंधन के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। यहां पशुपालन विभाग के डॉक्टर शिव कुमार यादव ने किसानों को बताया कि सर्दी के मौसम में पशुओं और खासकर पशुओं के छोटे बच्चों को कैसे बचाया जा सकता है। प्रगतिशील युवा किसान ज्ञानेश तिवारी के फार्म हाउस पर गन्ना विकास निदेशालय के संयुक्त निदेशक डॉक्टर महेश कुमार भ्रमण करने पहुंचे। इस दौरान कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी अधिकारी डॉक्टर एनसी त्रिपाठी और पादप सुरक्षा विभाग की वैज्ञानिक डॉक्टर नूतन वर्मा भी मौजूद रहीं। इस दौरान उन्होंने जैविक तरीके से उगाई गई सरसों की फसल और फार्म हाउस पर तैयार की जा रही बर्मी कंपोस्ट यूनिट को देखा। इस दौरान डॉक्टर महेश कुमार ने ज्ञानेश तिवारी के नवाचार की जमकर सराहना की। मिर्जापुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने दुष्कर्म और पास्को एक्ट में वांछित चल रहे एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सिकंदरपुर कायस्थान के रहने वाले शिवम को गिरफ्तार किया है, जिसकी पुलिस काफी समय से तलाश कर रही थी। फिलहाल अब उसे जेल भेजा जा रहा है। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिवंगत विधायक मानवेंद्र सिंह के पैतृक गांव पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री यहां दिवंगत विधायक के परिवार से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन से पहले तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। नगर आयुक्त संतोष कुमार शर्मा और अपर नगर आयुक्त एस के सिंह ने आज तेलहर के आश्रय गृह का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिशासी अधिकारी कल्पना शर्मा को निर्देश दिए गए कि आश्रय गृह के व्यापक प्रचार प्रसार और आश्रय गृह के केयरटेकर का नंबर डिस्प्ले कराया जाए। नगर निगम कार्यालय में जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां नगर आयुक्त ने समस्याओं को लेकर आए फरियादियों की समस्याओं को सुना और उनका निस्तारण करवाया। नगर आयुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि अधिकतर समस्याएं पेयजल, साफ सफाई व्यवस्था और प्रकाश व्यवस्था को लेकर आई थी, जिनमें से कई समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण करा दिया गया, तो वहीं शेष समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। शाहजहांपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ है। पुलिस एनकाउंटर में 25,000 के इनामी बदमाश को गोली लगी है, जबकि दूसरा बदमाश मौके से भागने में कामयाब रहा। पुलिस एनकाउंटर में कोतवाल और सिपाही बदमाशों की गोली से बाल बाल बचे हैं।
दरअसल तिलहर पुलिस द्वारा अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान में वाहन चेकिंग कर रही थी, तभी बिना नंबर की बाइक पर सवार दो बदमाश पुलिस टीम को देखकर भागने लगे। इसके बाद पुलिस ने बदमाशों का पीछा करना शुरू कर दिया। वहीं जैतीपुर रोड पर बुढ़ेली गांव के पास पहुंचते ही बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग करना शुरू कर दी। बदमाशों के साथ एनकाउंटर में पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश को पैर में गोली लगी है। अंधेरे का फायदा उठाकर दूसरा बदमाश साकिर मौके से भागने में कामयाब रहा। पुलिस पूछताछ में पता चला कि एनकाउंटर में घायल बदमाश आरिफ पर पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित कर रखा था। पुलिस इनामी बदमाश की गौकसी और गैंगस्टर के मामले में तलाश कर रही थी। फिलहाल घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने फरार बदमाश साकिर की तलाश शुरू कर दी है। पुरानी पेंशन योजना बहाली संयुक्त मंच के नेतृत्व में पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग को लेकर आज दूसरे दिन भी कार्मिक हड़ताल जारी रही। भूख हड़ताल पर आज दिन भर कर्मचारी डटे रहे। जिला संयोजक नरेंद्र कुमार त्यागी ने कहा कि बारिश में भींग कर आंदोलन में पहुंचे साथियों के जोर में किसी तरह की कोई कमी नहीं आई। सभी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं और सरकार को झुकाकर ही मानेंगे। सांसद अरुण कुमार सागर ने अपने आवास पर जनसुनवाई की। इस दौरान क्षेत्र से आए फरियादियों की समस्याओं को सुना और कई समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण कराया। इसके अलावा शेष बची समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को फोन कर निस्तारण करने के निर्देश दिए। इस दौरान सांसद ने केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी लोगों को बताया और सांसद ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि हर पात्र लाभार्थी तक योजनाओं का लाभ पहुँचना चाहिए। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत मोदी की गारंटी वाली गाड़ी अब गांव-गांव जा रही है। आज विधानसभा ददरौल के बरुआ बुजुर्ग गुरथना और पलहूरा में यह गाड़ी पहुंची और सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया गया। इस मौके पर सांसद अरुण कुमार सागर भी मौजूद रहे, जिन्होंने सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। नगर आयुक्त संतोष कुमार शर्मा ने आज सुभाष नगर से नगरीय मोड़ तक निर्माणाधीन स्मार्ट रोड के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान चल रहे निर्माण कार्य की स्थिति को देखा और निर्देशित किया कि गुणवत्ता में किसी भी तरीके की कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही निर्माण कार्यों में तेजी लाने के भी निर्देश दिए गए। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल द्वारा जिला कारागार में कंबलों का वितरण किया गया। यहां व्यापार मंडल के मुख्य संरक्षक सौमित्र गुप्ता और आरिफ किरमानी ने अपने हाथों से कैदियों को कंबल वितरित किए। इस मौके पर महानगर अध्यक्ष मोहम्मद सलाउद्दीन ने कहा कि कड़ाके की सर्दी और शीत लहर के प्रकोप से बचने के लिए जेल प्रशासन की ओर से कुछ बंदियों को चयनित किया गया था, जिनको गर्म कंबल वितरित किए गए।